तो ये अपना पुराना वाला घर पे है, क्योंकि यहाँ पे भी लग रहा है आलू, आलू का सीजन अभी लगने का। तो दोस्तों गांव में कैसे आलू लगा जाता है देखिए, इस तरह से देखिए वो चाचा है लगा रहे हैं आलू अभी, और मम्मी देख रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, स्वागत है दोस्तों हमारे एक नए से प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, और पिछले दो दिन से दोस्तों मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त है काम को लेकर, पटना और घर हो पा रहा था, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा था। और लाडो पीयू और सभी बच्चों लोगों के, सबको पता है कि अभी गांव पे है, और अभी छठ का समय है, इस वजह से घर पर ही है अभी सब, हम लोग भी घर पर ही हैं। तो दोस्तों 3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था इस वजह से, क्योंकि हम 3 दिन से पटना में थे, और रात में पटना से घर आए। तो अभी देखिए हम कहाँ पर हैं, सो दोस्तों देखते हैं, ये देखिए दोस्तों कहाँ पे हैं हम लोग अभी। तो ये अपना पुराना वाला घर पे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लग रहा है आलू, आलू का सीजन अभी लगने का। तो दोस्तों गांव में कैसे आलू लगा जाता है देखिए, इस तरह से देखिए वो चाचा है लगा रहे हैं आलू अभी, और मम्मी देख रही है। तो देखिए पहले हम लोग जब पहले ब्लॉग करते थे दोस्तों यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं था ना सब्ज़ी वगैरह कुछ, अभी देखो अभी देखिएगा कितना सब्ज़ी लग गया है, चारों तरफ सब्ज़ी लग गया है, हर तरफ सब्ज़ी। ये कितना बड़ा बड़ा छोटा छोटा हम लोग देखे थे 10 दिन पहले, 10 या 15 दिन दुर्गा पूजा के समय लगभग यहाँ पे देखे थे, छोटा छोटा पेड़ था। और आज देखिए बड़ा बड़ा सब गोभी हो गया है यहाँ पे, गोभी का सब्ज़ी है ये। और इधर देखिए पालक, ये गिनहारी का साग है, उधर पालक का साग है, और उधर लग रहा है आलू। देखिए पूरा खेत में आलू लग गया, पहले कितना गंदा हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल साफ हो गया है ना, इधर देखिए इधर सब पूरा साफ हो गया है। तो दोस्तों हम 4-5 दिन के बाद मतलब यहाँ पाए हैं, तो पटना चले गए थे, लाडो पीहू यहीं पर रह गए थे कुछ काम से। तो यहाँ देखिए मेरे साथ अभी लाडो पीहू है यहाँ पे, तो बहुत दिनों से 4-5 दिन से ब्लॉग में नहीं देख पा रही थी ब्लॉग में, तो हेलो करो। हेलो। पढ़ाई लिखाई भी सब इसका बंद, स्कूल बंद है, इसलिए मस्ती पूरा चल रहा है दोस्तों इसका। तो देखिए इधर आलू भी मस्त, चाचा एकदम कैसे एकदम जुगाड़ से लगा रहे हैं, आलू लगाने का भी एक अलग अपना तरीका होता है दोस्तों, ये देखिए। और ये रहा बीज, आलू का बीज, ये देखिए ये आलू का बीज, और आलू लगेगा। इधर देखिए टमाटर, भाई साहब बड़ा बड़ा टमाटर सब हो गया, सब पेड़ बड़ा बड़ा हो गया सब्जी। इधर ये कितना साफ़ सुथरा हो गया ना, वाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो क्या कर रही हो पियो तुम उधर? इधर भी देखिए आलू का बीज रखा हुआ है, ये इससे आलू लगेगा, आलू भी बैठा रहा है। सो आलू मेरा पता भी नहीं है वो कितना दिन में आलू होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आलू कितने दिन में लगाने के बाद कितने दिन में आलू हो जाते हैं, हमको तो पता भी नहीं कितना दिन में होते हैं। तो मस्त सोचे मस्त यहाँ से शुरुआत की है ब्लॉग का, आप दोस्तों कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि अभी फिलहाल 5-6 दिन कहीं नहीं जाना है छठ पूजा तक, उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद भी ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मेरा कुछ बाहर का ट्रिप भी है तो वो भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। और देखिए पास से ट्रेन पास हो रही है बगल से, वो देखिए तो बहुत नज़दीक है मेरा यहाँ पे ये दूसरा वाला घर जहाँ से ट्रेन पास करती है। तो गाइस बहुत ही तो शाम का माहौल है दोस्तों, अभी शाम का गांव का शाम का है, और बहुत ही बेहतरीन गांव आने का, तो आपको तो पता ही गांव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बस सिर्फ काम के वजह से हमको बाहर रहना पड़ता है, नहीं तो गाँव मेरा तो बहुत अच्छा लगता है हमको। तो अभी शाम का वक्त है और बहुत ही प्यारा सा दिन है, थोड़ा बहुत धूप है और ठंड का मौसम आ गया है, जैसा कि आपको पता है कि अभी ठंड का मौसम आ चुका है, तो थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है, और गांव में थोड़ा ज़्यादा ही ठंड लगता है, क्योंकि गांव में बिल्कुल खुला और वातावरण बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा हवा सा लगता है। और बगल में मेरे घर के पास में पहाड़ भी है, और यहाँ पर हरा भरा चारों तरफ, कोई प्रदूषण, ज़्यादा प्रदूषण तो होता नहीं है, नॉर्मली गाँव में है बिल्कुल एकदम शुद्ध वातावरण, तो इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है। तो फिलहाल कुछ ऐसा ही, देखिए उधर लहसुन लगा हुआ है, सोचे चलो आज ब्लॉग बनाते हैं और आप सबको घुमाते हैं मस्त बिल्कुल एकदम। और लाड पीहू देखिए, पीहू भी किसान हो गई है पीहू, और देखो मम्मी को उधर क्या कर रहे पीहू।